अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और अभी हम इको चैन टोकन रिव्यू कर रहे हैं और हम इसके बारे में डिटेल के साथ जानेंगे कि इको चैन टोकन अभी जो लॉन्च होने वाला है इसका स्कोप क्या है, इसकी लॉन्चिंग प्राइस क्या होगी, कौन कौन सी एक्सचेंज के ऊपर ये लॉन्च होने वाला है, इसकी इनिशियल प्राइस से लेकर आगे जो आने वाला वक्त है इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कहाँ तक जाएगा। दूसरा ये है कि इसका जो है वो टोटल इसकी मार्केट सप्लाई क्या है, इसका स्कोप क्या है, इनफैक्ट यानी इको चैन टोकन या इको चैन कॉइन भी आने वाले वक्त में इसे लोग कह सकते हैं, तो वो इसका स्कोप क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाई वन, तो उसके लिए आप वीडियो एंड तक देखिएगा। होप्स हो कि आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है क्योंकि ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इट इज़ अबाउट टू लॉन्च नाउ। तो लेकिन मज़ीद वीडियो जारी रखने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो वो देख सकें, और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आप को नोटिफिकेशन भी मिलेगा, क्योंकि इस चैनल पर क्रिप्टो और फ्रैक्स के बारे में रिव्यूज़, प्रेडिक्शन, एनालिसिस और एजुकेशनल वीडियोज़ जो हैं वो शेयर की जाती हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट जितने भी प्रेडिक्शंस मैंने की हैं वो इस वक्त सही डायरेक्शन में ही जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई अगर आपके डिज़ायर्ड वीडियो हो लॉन्ग टर्म में, जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो लॉन्ग टर्म में उसकी प्रेडिक्शंस है, तो आप यहाँ पर हो सकता है कि आप अपनी डिज़ायर्ड वीडियो देखें और अब भी आपके पास चांस हो उस क्रिप्टो में इंटर होने का। तो चलिए चलते हैं हम इको चैन टोकन को ज़रा रिव्यू करते हैं। इको चैन टोकन जो है वो देखें डिसेंट्रलाइज्ड डेफिनेशनरी टोकन है और ये अभी तकरीबन पैनकेक स्वैप पे ये अभी लॉन्च होगा 8 दिन बाद। इसका जो सॉफ्ट कैपिटल है उन्होंने रखा है वो 500 BNB के लिए सॉफ्ट कैपिटल रखा है और 2000 BNB इन्होंने हार्ड कैपिटल के लिए रखे हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके इनके टोकन जो हैं वो बाय कर सकते हैं और सारा प्रोसीजर आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें उन्होंने बोला है कि प्री सेल अभी लाइव हो चुकी है और टोकन डिस्ट्रीब्यूशन भी इनकी हो चुकी है। यहाँ पर आप इनके ऑफिशियल जितने भी चैनल्स हैं, ये ट्विटर है, ये टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब, रेडिट है, आप यहाँ पर इनके बारे में जा सकते हैं, देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इनका टेलीग्राम का ग्रुप और ट्विटर का ग्रुप, हाईली रिकमेंड करूँगा ट्विटर का चैनल सॉरी। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कीमती इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहते हैं। दूसरे प्लेटफार्म भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये दो जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अभी जो इको चैन टोकन रिव्यू के बारे में जो चीज़ आपको देखनी चाहिए वो ये कह रहा है कि इको चैन फाइनेंस, यानी ये कह रहा है कि इको चैन फाइनेंस जो है वो लाएगा खुशियां अपने होल्डर्स के लिए। तो वो होल्डर्स के लिए खुशियां कैसे होंगी, वो ऐसे ही होंगी कि ये इनका टोकन बाय करेंगे, इसको फिर होल्ड करेंगे, तो उसके बाद इनको ये अच्छा खासा रिवार्ड देंगे जब ये टोकन लॉन्च होगा। ठीक है, ये इसके बारे में ये वो लिखा हुआ है कि डिसेंट्रलाइज्ड डेफिनेशनरी टोकन है, तो इसका एम क्या है, सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वॉच वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आप वीडियो भी इनकी देख सकते हैं। तो ये इको चैन फाइनेंस के बारे में आप जान सकते हैं, ये इनकी एक इको चैन का इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि इनके वन क्लिक एप्लीकेशन है, प्राइवेट और सिक्योर है, पेमेंट गेटवेज इनके पास अवेलेबल हैं, एक्सटर्नल इंटीग्रेशन है, अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है इनके पास, क्लाउड डाटा स्टोरेज है, तो बहुत अच्छा सिस्टम ये अभी देने वाले हैं। तो ये इको चैन के बारे में आप यहाँ पर भी फर्दर जो है वो पढ़ सकते हैं, आपको मज़ीद यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। टोकनॉमिक्स वो क्या कहते हैं कि अगर आप इस इको चैन में, हमारी इको चैन में इंटर होते हैं तो आप मैनेज कर, आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। तो कोई भी एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के साथ इसमें हिस्सा ले सकता है एक ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। तो मुझे तो पर्सनली तौर पर मेरी ज़ाती राय ये है कि मुझे इको चैन टोकन थोड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। तो देखें यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो आप देख सकते हैं, ये अरब से भी ज़्यादा जो दो डिजिट हैं, ये खरब से भी ज़्यादा दो डिजिट हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि इससे इतनी इसकी सप्लाई है, और इस टोटल सप्लाई में से 50% जो है वो 5 स्टेप्स में बर्न होगा, 10% जो है वो इनिशियल बर्न होगा, 5% इन्होंने अपनी टीम के लिए बचा के रखा है, 5% इन्होंने मार्केटिंग के लिए बचा के रखा है,
और 30% अभी प्री सेल में अवेलेबल है, जो कि अभी इसकी सेल जारी है, और 10% लिक्विडिटी इसकी होगी। तो ट्रांजैक्शन फीस की टोटल 10% होगी। उन 10% को उन्होंने कैसे मैनेज किया है, अब वो कह रहे हैं कि 6% वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को जाएगा, 2% जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसमें, होल्डर्स में, और 2% जो है फंड रेजिंग वॉलेट के लिए इन्होंने मखसूस किया हुआ है। तो यहाँ पर मजीद जो है वो टोकन सेल के बारे में बता रहा है कि ये टोकन सेल जो है वो जो बाइनांस स्मार्ट चैन प्लेटफार्म का जो है वो रियलाइज करेगा। तो ये कंपैटिबिलिटी है टोकन की थर्ड पार्टी सर्विस के साथ, वॉलेट एक्सचेंजेस के साथ, और प्रोवाइड करता है इजी टू यूज़ इंटीग्रेशन पे। अब ये इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो स्टार्ट डेट होगी वो 20 अगस्त है, और नंबर ऑफ टोकन जो 30%, ये मैंने आपको पहले जो बताया था कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 30% प्री सेल में अभी अवेलेबल हैं, तो वो 30% इनकी ये अमाउंट बनती है जो कि प्री सेल में अभी अवेलेबल होगी। ये 6 सितंबर को इसकी प्री सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये वाला एरिया देखें कितना इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो प्री सेल के अभी जो टोकन प्राइस है वो 0.00000027 है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे ख़रीद लेते हैं तो पैनकेक पे जब ये लिस्ट होगा, यानी पैनकेक पे इसने 8 दिन बाद लिस्ट होना है, तो जब ये इस पर लिस्ट होगा तो उस वक्त इसकी प्राइस होगी 0.00000054, यानी आलमोस्ट डबल। 100% प्रॉफिट तो आपको इन बल्कि फौरी तौर पर आपको मिल जाएगा जब ये पैनकेक स्वैप पे रजिस्टर होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं आपको ये फिर रिकमेंड करूंगा कि आपने अपने रिस्क पे बाय करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करने के बाद फिर इसमें इंटर होना है, क्योंकि मैं आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का ज़िम्मेदार नहीं हूं। मेरा काम आपको एजुकेट करना है, और मुझे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर कर दूँ। तो ये BNB करेंसीज़ में एक्सेप्टेबल होगा, और मिनिमम ट्रांजैक्शन फीस की 0.1 BNB है, यानी एग्जांपल अगर 1 BNB $100 का है तो आपको कम से कम ख़रीदारी आप $10 में कर सकते हैं। अभी तो 450 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 450-60 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उस लिहाज से तकरीबन कुछ $40-45 मिनिमम आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने होंगे। तो जो मैक्सिमम आप BNB इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 5 हैं, यानी एग्जांपल आप मैक्सिमम मेरे हिसाब से तकरीबन कोई $2100-2200 की इन्वेस्टमेंट जो है आप मैक्सिमम इसके अंदर कर सकते हैं। और ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, आप एड्रेस को कॉपी करते हुए अपना एक जो है ट्रस्ट वॉलेट में या मीटामास्क में अपना एक चैन जो है वो कर सकते हैं। अब कमिंग सून में क्या है, NFT मार्केट प्लेस कमिंग सून में है, फंड्स टू डिस्ट्रीब्यूट हैं, और DEX एक्सचेंज जो है वो भी इसकी वो कमिंग सून में है। अच्छा, अब ये रोड मैप बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 7 फेजेस बताए हैं, और 7 फेजेस में जो चीज़ें कंप्लीट करते जा रहे हैं, फेज़ 1 में इन्होंने टोकन क्रिएट कर दिया, वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया, प्री सेल इसकी लॉन्च हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके बाद ये देखें वाइट पेपर भी इन्होंने लॉन्च कर दिया हुआ है, तो अगर आप इस एरिए पे क्लिक करेंगे इस वाइट पेपर वाले बटन पे तो आप इसका जो है वो वाइट पेपर पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको वाइट पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके भी डायरेक्ट वाइट पेपर में आ सकते हैं, और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप यहाँ पर आकर भी अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। फेज़ 2 में यह रोड टू बाइनांस, ये 1 साल के अंदर बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा, यानी पैनकेक स्वैप पर रजिस्टर होने के बाद। YouTube मार्केटिंग जो है वो करेंगे, इसकी सोशल मीडिया प्लेटफार्म यूज़ करेंगे, उधर लॉन्च करेंगे। वाइट पेपर आ गया है, पैनकेक पे लॉन्च होने वाला है, जैसे ही 8 दिन बाद ये लॉन्च होगा यहाँ पर भी एक टिक मार्क आ जाएगा। फेज़ 3 में कॉइन मार्केट कैपिटल पे लिस्ट होगा, कॉइन गीको पर भी लिस्ट होगा, इसके 20,000 होल्डर होंगे, इन्होंने अपना एक लिखा हुआ है, सारा अपना एक एस्टिमेट लगाया हुआ है, प्लानिंग की हुई है। कोलैबोरेशन इन्फ्लुएंसर्स होंगे, कम्युनिटी अवेयरनेस ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये भी इंफॉर्मेशन वो देंगे। जो फर्स्ट थर्ड पार्टी ऑडिट होगी, 20 मिलियन मार्केट कैपिटल इन सब चीज़ों के बाद वो होगा, इन 20,000 होल्डर्स के साथ 20 मिलियन मार्केट कैपिटल का इन्होंने एस्टिमेट रखा हुआ है। उसके बाद डेक्स एक्सचेंज लॉन्च ये करेंगे, ओबिट पे लिस्ट होगा, ये बिटमार्ट पे लिस्ट होगा, और उसके बाद 50 मिलियन मार्केटिंग कैपिटल इन्होंने यहाँ पर रखा है फेज़ 4 के एंड में।
फेज़ फाइव में होगा कि इको चैन स्टेकिंग ये लॉन्च कर देंगे, इको स्वैप लॉन्च कर देंगे, एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च कर देंगे। तो 100 मिलियन डॉलर मार्केट कैपिटल का इन्होंने फेज़ फाइव में अपना टारगेट रखा है। तो सेकंड थर्ड पार्टी ऑडिट भी ये प्रोवाइड कर देंगे। फेज़ सिक्स में है मोर एक्सचेंज, जितने भी एक्सचेंज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट करेंगे ये, कोलैबोरेशन विद एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, और इसके बाद 1 लाख होल्डर होंगे। उसके बाद ये अपना वॉलेट लॉन्च कर देंगे फेज़ सिक्स में जाके, और 500 मिलियन मार्केट कैपिटल का इनका ये होगा। और फेज़ सेवन में इनिशियल कॉइन ऑफरिंग लॉन्च पैड ये जो है वो कर देंगे। थर्ड ऑडिट होगा, प्रॉफिट एंड फी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाइनांस एक्सचेंज लिस्टिंग हो जाएगी, सब प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएंगे, और एयर ड्रॉप भी ये देंगे। तो ये मुझे जो चीज़ें लग रही हैं इनका एक प्रॉपर एक गेटवे है, एक प्रॉपर इनका एक प्लान है, और इन्होंने अपने अपने टारगेट्स जो है सेट किए हुए हैं। तो मुझे इको चैन टोकन में दम लग रहा है, इसलिए मैं इको चैन टोकन को रिव्यू कर रहा हूँ। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप इसको एक 0.1 BNB का भी बाय करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जैसे ही लॉन्च होगा 0.2 BNB आपको मिल जाएंगे। तो अभी 8 दिन पड़े हुए हैं आपके पास सोचने के लिए भी, लेकिन आपने इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने अपना जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है आपने वहाँ पर आने के बाद इसको जो है वो करना है। और जहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल इनका वो क्लिक करके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपना नेम, ईमेल, यूअर मैसेज करके आप कोई क्वेरी भी सेंड कर सकते हैं, ये आपसे जो है वो वापस आ जाएंगे। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं इनके वाइट पेपर्स की, तो इनके वाइट पेपर्स को मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ओपन होंगे मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। ये इसके जो वाइट पेपर्स का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर करूँगा, आप बरह रास्त ही यहाँ पर क्लिक करके इनके वाइट पेपर्स को जो है वो ओपन कर सकते हैं। वाइट पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी क्रिप्टो को एक्सप्लेन करने के बारे में, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर हमने इको चैन को डिस्कस कर लिया, टोकनॉमिक्स को डिस्कस कर लिया, प्री सेल हमने डिस्कस कर ली, इसका रोड मैप जो था हमने वो डिस्कस कर लिया, और कॉन्टैक्ट जो है वो आप इनसे रब्ता कर सकते हो, मैंने आपको वो भी बता दिया। अब प्री सेल लॉन्च पैड ये है, आप इसको भी आप देख सकते हैं कि ये क्या सिलसिला सर है। और जो वाइट पेपर है, वाइट पेपर अभी लॉन्च हो रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब तक ये लॉन्च हों, नेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो आ रही है, तो अभी जैसे ही ये लॉन्च होता है तो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। ये देखें, ये लॉन्च हो गया है, तो ये इसका जो है एक वाइट पेपर है। तो मेरे ख्याल में अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और इसमें आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको इसके वाइट पेपर जो हैं वो लाजम जो हैं वो आपको रीड करने चाहिए, क्योंकि इसके बारे में ये 14 पेजेस का है, तो इसके बारे में आपको रीड करना चाहिए कि इनका जो है वो इरादा क्या है, इनका प्लान क्या है। वो ऑलरेडी मैं आपको इस वेबसाइट में बता चुका हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है इको चैन के बारे में, तो आप लाजम मेरे साथ शेयर किए, अपने व्यूज़ आप शेयर करें, क्योंकि अब मैं ऐसी वीडियोज़ आपके साथ मैं लाता रहूँगा सामने, आपको मैं रिव्यूज़ अपने देता रहूँगा। कॉइन्स को लॉन्च होने से पहले आपको मैं बताता रहूँगा कि आपने कौन सा कॉइन जो है वो बाय करना है, या कौन से कॉइन का प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए जा दीजिए।